अस्सलाम वालेकुम, DBTV.live के साथ मैं हूं महविश अजीज। सबसे पहले DBTV.live हेडलाइंस। इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक ने 9 मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लिया। नए जमहूरी दौर का आगाज। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने हल्फ उठा लिया। नामजद वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के बलोची रहनुमा कासिम सूरी ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज की जानिब से कौमी शजरकारी मुहिम में भरपूर शमूलियत का फैसला किया गया। तुर्क करेंसी पर दबाव, तुर्की का ईरान, चीन, रूस और यूक्रेन से मुकामी करेंसी में तिजारत का ऐलान। बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील। इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज़ सादिक ने 9 मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज़ सादिक ने 9 मुंतखब असेंबली के पहले इजलास की सदारत की। असेंबली के इजलास का आगाज कौमी तराने से हुआ और तमाम अराकीन ने बसद एहतराम खड़े होकर कौमी तराना सुना, जिसके बाद तलावत कलाम पाक की गयी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज़ सादिक ने इजलास के आगाज में 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी और हल्फ के तरीक़ाकार से आगाह किया। अयाज़ सादिक ने कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए 15 अगस्त की तारीख का ऐलान किया और तरीक़ाकार भी बताया। इसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज़ सादिक ने 9 मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लिया, जिसके बाद अराकीन की जानिब से दस्तखत किए गए। कौमी असेंबली का इजलास 15 अगस्त की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 15 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और नए जमहूरी दौर का आगाज़। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के 112 अरकान ने हलफ उठा लिया। प्रेजाइडिंग अफसर सरदार औरंगजेब नलूठा ने अरकान से हलफ लिया। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बरदारी के लिए गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 53 और 127 के तहत सरदार औरंगजेब नलूठा को प्रेजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया, जिन्होंने स्पीकर की गैर मौजूदगी में 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नामजद स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हैं। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन असम्बली से स्पीकर आगा सराज दुरानी ने हलफ लिया, जिसके बाद अराकीन असम्बली ने रजिस्टर में हरूफ तहजी के तहत दस्तखत किए। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में सूबे से 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठाया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली राहिला हमीद दुरानी ने 9 मुंतखब अराकीन असम्बली से हलफ लिया। नामजद वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के बलोची रहनुमा कासिम सूरी ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। आम इंतखाबात में हल्का यानी 265 कोयटा 2 से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के भाई लश्करी रईसानी, पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद अचकजई, मुतहदा मजलिस अमल के हाफिज हमदुल्ला और राहिला हमीद दुरानी को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी को इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कासिम सूरी का कहना था कि इमरान खान बलोचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ दूर करने के लिए पुरअज़्म है। हम वहाँ के अवाम की रूमिया दूर करेंगे और सूबे को कौमी धारे में लाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 8 और सूबाई असेंबलियों की 5 नशिस्तें खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में हलफ बरदारी के बाद अराकीन की जानिब से छोड़ी जाने वाली नशिस्तें खाली करार दे दी। NA 35 बन्नू, NA 53 इस्लामाबाद, NA 63 रावलपिंडी, NA 65 चकवाल, NA 69 गुजरात, NA 124 लाहौर, NA 131 लाहौर और NA 243 कराची की सीटों पर दोबारा इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 124 से हमजा शहबाज मुस्ताफी हुए। इमरान खान ने NA 35, NA 53,
NA-131 और NA-243 से इस्तीफा दिया। गुलाम सरवर खान ने NA-63 से इस्तीफा दिया। परवेज इलाही ने NA-65 और NA-69 से इस्तीफा दिया है। साबिक वजीरे आला KP के परवेज खटक PK-61 और PK-64 से मुस्ताफी हो गए। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की नशिस्तों PP-164 और PP-165 से इस्तीफा दिया। अली अमीन गंडापुर PK-97 से मुस्ताफी हुए, जबकि अमीर हैदर होती PK-53 से मुस्ताफी हुए। पाक फौज की जानिब से कौमी शजरकारी मुहिम में भरपूर शमूलियत का फैसला किया गया। पाक फौज के शोबे तालुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक फौज ने कौमी शजरकारी मुहिम में भरपूर शमूलियत का फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। कौमी शजरकारी मुहिम में पाक फौज मुल्क भर में 1 करोड़ पौधे लगाएगी, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर आज से मुल्क भर में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम हतमी तौर पर तय नहीं किया गया। कौमी असेंबली में हल्फ बर्दारी के बाद बनीगाला जाने से कबल एक सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि PTI की जानिब से वजीर आला पंजाब कौन आ रहा है। जवाब में PTI चेयरमैन ने कहा कि अभी इस हवाले से फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान के जश्न आज़ादी न मनाने के हवाले से सवाल पर इमरान खान का कहना था कि इस दफा मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के पहले इजलास में मुतवक्के वजीर आजम इमरान खान ने रजिस्ट्रेशन के लिए तस्वीर बनवाने के लिए पार्लियामेंट के मुलाजिम की वेस्ट कोट उधार ली। PTI के नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि नैब अपना और हम अपना काम करेंगे। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर PTI जबकि स्पीकर MQM से होगा। सिंध हुकूमत का साथ देंगे मगर साथ नजर भी रखेंगे। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि PTI की असल लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PTI के किसी शख्स के खिलाफ करप्शन के सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे, सिंध हुकूमत को एक जाम प्लान देंगे। उम्मीद है इस पर अमल भी होगा। इमरान खान करप्शन का खात्मा और कराची के मसाइल हल करना चाहते हैं। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि वो मुतहरिक गवर्नर की हैसियत से हर शहर में जाएंगे और आम आदमी के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर की सजा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा कि सजा मौतली की दरख्वास्त पर पहले समाअत करेंगे। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने एतराज उठाते हुए कहा कि अपीलें पहले सुनी जाएं, जिस पर जस्टिस अथर मिनुल्ला ने नायब का एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि अपील अपने नंबर पर जबकि सजा मौतली की दरख्वास्त पहले सुनेंगे। जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा मौतली की अपील 6 माह के बाद सुनी जा सकती है। जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा कि आपकी बात ठीक है तो क्या हाईकोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। मिशाल खान केस में मुलजमान की सजा मौतली की दरख्वास्त मंजूर हुई, जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की सजा मौतली की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना समेत तमाम उमूर के बारे में फैसले कर लिए गए। कौमी असम्बली में आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पंजाब में नून लीग के साथ कांटेदार मुकाबले के बाद PTI अब पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब से सिर्फ 6 सीटें ही हासिल कर सकी। वोटर ने रिवायती सियासत को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि नई रिवायात का आगाज करे। हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। शफकत महमूद का कहना था कि पाकिस्तान के निजामे हुकूमत को ठीक करना है, शबो रोज मेहनत से मसाइल का खात्मा करेंगे। और नौ मुंतखब असेंबली के पहले दिन ही शेख रशीद अहमद ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे नहीं चलेंगे।
قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں اس وقت سب سے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ اپنے لیے کوئی عہدہ مانگوں، عمران خان جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں مجھے لگائیں گے۔ عمران خان کی حکومت میں شیخ رشید کی آواز غریبوں کی آواز ہوگی، جمہوریت کو آگے لے کر چلیں گے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری 14 سال کی دوشیزہ نہیں، سب سے سیانے سیاستدان ہیں، آصف زرداری چھٹا بحری بیڑا ہیں، انہیں پتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرام کو خود پر حرام قرار دے کر عوام کا پاکستان بنانے کے لیے کام کریں گے۔ اللہ نے آج ہمیں مضبوط اور محفوظ پاکستان دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی وکٹ پر کھیلے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا مجلس شورا کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اپنی وکٹ پر کھیلے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کاش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملک کے نظام کو بہتر بنایا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ احتساب سب کا ہو اور پاناما پیپرز میں شامل 400 سے زائد افراد کا احتساب کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں موجود ہمارے ساتھی ملک و قوم کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے، ریاستی اداروں نے امن قائم کرنے کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور ترکی کرنسی پر دباؤ، ترکی کا ایران، چین، روس اور یوکرائن سے مقامی کرنسی میں تجارت کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ترکی پر سٹیل اور الومینیم پر اضافی ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد سے ترکی کرنسی لیرا کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے حالات امریکی پادری کی گرفتاری سے اب تک کشیدہ ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ امریکی پادری کی رہائی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر کا کہنا ہے کہ ترکی اس وقت معاشی جنگ کا شکار ہے، لہذا ترکی ایران، چین، روس اور یوکرین سے مقامی کرنسی میں تجارت کرے گا اور یورپی ممالک سے بھی ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں تجارت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ترک صدر نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ترک کرنسی لیرا کو زیادہ خریدیں۔ ترک صدر نے امریکہ کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور ترکی کے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ امریکہ کے یہ فیصلے ہمارے اتحاد کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھیے dbtv.live۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔